नमस्कार, मैं डॉक्टर निहारिका झा आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी मदर्स से बात करना चाहती हूं जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक डर्मेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हूं जो कि मदर्स को डेवलप हो सकती है वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों डेवलप होती हैं, इससे कैसे बचा जाए, अगर ये प्रॉब्लम डेवलप होती हैं तो फिर मदर को क्या करना चाहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ड्यूरिंग दिस टाइम जब मदर को ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो चुकी हैं तो क्या वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना कंटिन्यू करे या फिर रोक दे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज मैंने कई बार देखा है कि बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट नॉलेज या फिर द मदर दे फील शाई टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद देयर डॉक्टर्स और देयर रिलेटिव्स, वो समय के पहले ही अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना बंद कर देती हैं। विच इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज कम से कम 6 महीने तक के लिए माँ का दूध बच्चे को ज़रूर मिलना चाहिए, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों डेवलप होती हैं। मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम इसलिए डेवलप होती है बिकॉज द बेबी हैज नॉट लैच प्रॉपरली टू द मदर। ये प्रॉपर लैचिंग क्या होती है ये अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर सीखें। दूसरी बात, बिकॉज ऑफ द रेगुलर सकलिंग एक्शन ऑफ द बेबी, ब्रेस्ट एरिया पे ड्राइनेस बहुत ईजिली डेवलप हो जाती है। बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस क्रैक्स बहुत ईजिली डेवलप हो जाते हैं और इन क्रैक्स के थ्रू इन्फेक्शन भी ईजिली फैल सकता है। कई बार इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल जाता है कि कुछ मदर्स को ब्रेस्ट एब्सेस भी बन जाता है। दूसरा कारण, लीकेज ऑफ मिल्क रहता है। जो मदर्स अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं वो ये बात अच्छे से जानती होंगी कि ना सिर्फ दूध पिलाते वक्त बल्कि जब माँ अपने बच्चों को देखती है हंसता हुआ या फिर रोता हुआ या फिर किसी कारणवश वो बहुत लंबे समय तक के लिए अपने बच्चे को अपना दूध नहीं दे पाती हैं तो फिर स्लाइट लीकेज ऑफ मिल्क होता है। और अगर ब्रेस्ट एरिया बहुत ही लंबे समय तक के लिए ये दूध से कॉन्टैक्ट में रहे तो वहाँ पर एक प्रकार का कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, इसमें इचिंग होती है, रैश होता है और इसके ऊपर लेटर ऑन सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अब हम ये जानते हैं कि क्या इन सारे प्रॉब्लम से मदर्स बच सकती है, तो द आंसर इज येस। आफ्टर एवरी फीड द मदर शुड मॉइस्चराइज द ब्रेस्ट एरिया। अब मॉइस्चराइज किससे किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज वी कैन नॉट यूज एनी रैंडम प्रोडक्ट क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे बेबी के अंदर भी जा सकता है। वैसलीन पेट्रोलियम जेली इज ए सेफ ऑप्शन जिससे मदर्स अपने ब्रेस्ट एरिया को आफ्टर एवरी फीड मॉइस्चराइज कर सकती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मिल्क रहता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। हाइंड मिल्क दूध का वो हिस्सा रहता है जो आखिरी आखिरी में बच्चा पीता है, और ये मिल्क जो रहता है ये फैट्स में रिच रहता है। तो जब आप अपने बेबी को फीड कराना बंद करें तो हल्का सा मिल्क एक्सप्रेस करके उसमें जो फैट रिच कंपोनेंट है आप उसको अगर आप मसाज करेंगी तो वो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे सकता है। अब हम जानते हैं कि लीकेज ऑफ मिल्क से कैसे टैकल किया जाए। अगर आप किसी कारणवश अपने बच्चे को लंबे समय तक के लिए दूध नहीं पिला पा रही हैं, आप अपने बच्चे से दूर हैं, तो एक स्टरलाइज बॉटल में आप अपने मिल्क को एक्सप्रेस करके एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर्स रख सकती हैं और मौका मिलने पर कटोरी और चम्मच के थ्रू वो दूध अपने बच्चे को पिला सकती हैं। दूसरी तरीके से जिससे हम बचाव कर सकते हैं वो है एब्सॉर्बेंट पैड्स। दीज एब्सॉर्बेंट पैड्स आर वेरी इजीली अवेलेबल ऑनलाइन, मदर्स और बेबी के स्टोर्स रहते हैं उनमें भी इजीली अवेलेबल हैं ये एब्सॉर्बेंट पैड्स। अब जानते हैं कि अगर ये सारी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम डेवलप होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें मैं आपको दो बात पर स्ट्रेस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो नेवर ट्राई टू सेल्फ डायग्नोज योर सेल्फ एंड नेवर ट्राई टू सेल्फ ट्रीट योर सेल्फ। ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप खाएंगी या लगाएंगी दवाइयाँ वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बेबी में भी जाएगा। सो फॉर दैट रीजन आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट कॉन्टैक्ट करें अगर जो इश्यूज आपको मैंने बताए हैं ऐसे इश्यूज आपको डेवलप हो रहे हैं तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें।
और आप किसी भी डॉक्टर को कभी भी मिलें किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो उनको ये जरूर क्लियर करें कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट या यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड, सो दैट एक डॉक्टर एक सेफ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। आप जो भी लगाने वाली दवाइयाँ टॉपिकल्स अप्लाई करती हैं अपने ब्रेस्ट एरिया के ऊपर, उसको फीड करने के पहले ज़रूर वॉश करें और फिर ही फीडिंग कंटिन्यू करें। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इस दौरान माँ को अपना दूध बच्चे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर एक ही साइड का ब्रेस्ट इन्वॉल्व है और दूसरा नॉर्मल है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो आप सेकंड साइड से अपने बेबी को इजीली फीड करा सकती हैं। और जो इन्वॉल्व साइड है, अगर वहाँ पे इचिंग है, कोई रैश है या फिर वो पेनफुल एरिया हो रखा है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, तो आप उस एरिया का मिल्क एक्सप्रेस करके रख लें और अपने बच्चे को कटोरी और चम्मच से पिलाएं। जब आप ठीक हो जाएं तो दूसरे साइड से दोबारा फीड करना कंटिन्यू कराइए। ये हमें पता होना चाहिए कि बस दूध ही नहीं बल्कि सकलिंग एक्शन ऑफ द बेबी जो रहता है वो भी बच्चे के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर हम बिना डिस्कस करे या बिना इलाज कराए अपना दूध पिलाना बच्चे को बंद कर देंगे, मिल्क है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है जिसके वजह से मदर को इन्फेक्शन हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। अगर हम बच्चे को दूध पिलाना कम करते हैं या बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे दूध बनना ही बंद हो जाता है और समय के पहले ही हमें फीडिंग रोकनी पड़ती है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। आई होप ये वीडियो उन सभी मदर्स के लिए हेल्पफुल रही होगी जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।